सभी को ध्यान में है, आज से कुछ दिन पूर्व बहुत दुखद घटना घटी थी। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, वर्सेटाइल, डिग्निफाइड बॉलीवुड एक्टर था, सुसाइड कमिट कर लिया विदाउट गिविंग एनी सुसाइडल नोटिस। कारण की बात आती है तो कारण मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नेपोटिज्म इज द रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न इट मे बी पॉसिबल, बट अभी तक कोई कारण एग्जैक्टली सामने आया नहीं है, क्योंकि कोई सुसाइडल नोट तो दिया नहीं था। बट एक जो चीज़ ऐसी लाइफ, क्योंकि दूसरे की थाली में लड्डू हमें एज अ ह्यूमन बींग हमेशा बड़ा लगा है कि ऐसी लाइफ, आगे फैन फॉलोइंग, पीछे फैन फॉलोइंग, राइट लेफ्ट फैन फॉलोइंग, बॉडी गार्ड्स, बॉक्सर्स, गाड़ियाँ, मनपसंद की गाड़ियाँ, मनपसंद के घर, है ना। तो इतनी अच्छी लाइफ, मतलब आगे पीछे मीडिया घूम रहा है, ठीक है, पता नहीं भगवान ने उनको ऐसी लाइफ दी है, हमें ऐसी दी है, हम तो फंस गए, ठीक है, हम तो वैसे बन नहीं सकते, क्योंकि हमें वो हमेशा ही ऐसा लगता है कि दूसरा परफेक्ट है, हम कहीं ना कहीं इन्फीरियर हैं, वो सुपीरियर हैं, ठीक है, उनकी कमी में, लाइफ में तो कोई कमी हो नहीं सकती। अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्यों करता, ये सोचने वाली बात है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो क्या है, वेदर वी आर रियली हैप्पी, ठीक है, हम खुश नहीं हैं ना, ठीक है, वेदर एनीबडी इज़ रियली हैप्पी, क्या वास्तव में इस संसार में कोई ऐसा है जो खुश है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए मैटर ऑफ डिस्कशन। थर्ड थिंग दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे ही उसकी डेथ होती है, एक्चुअली इंडिया में, वर्ल्ड में लॉट ऑफ पर्सन्स आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू वेरियस रीजंस। स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू कॉम्पिटिशन, आर्टिस्ट इज कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू कॉम्पिटिशन, कहीं ना कहीं कारण हमारे सामने ही है। स्टूडेंट्स हैं, प्रेशर बढ़ता है जी, उसका फलां का प्रेशर पड़ गया, हम क्या करें, हम क्या करें, है ना, दे आर ऑल्सो कमिटिंग सुसाइड। पैरेलली आर्टिस्ट सुसाइड कमिट कर ले हैं, ठीक है, फार्मर्स को उसकी क्रॉप का जो है प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, वो सुसाइड कमिट कर रहा है, कर्ज बहुत हो गया, वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं अपनी कंट्री में, अपने वर्ल्ड में, जो किसी न किसी कारण से सुसाइड कमिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में वो इनसिक्योर फील करते हैं और वो उड़ना चाहते हैं यहाँ से। अब जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जब कोई मोस्ट पॉपुलर है ना, वैसे तो इंडिया में कल भी सुसाइड हुआ होगा, आज भी सुसाइड हुआ होगा, ठीक है, और पता नहीं किस हालात में बॉडीज़ मिलती हैं, हम तो उन बारे में, उनके बारे में हमें पता लगता नहीं है, क्योंकि हमें तो कुछ एक जानी पहचानी हस्तियों का ही पता लग सकता है। एक अजीब कह सकते हैं या एक अच्छा मैसेज कह सकते हैं मोमेंटली, जो अगले दिन सामने आता है, ठीक है, कि सारों का अपने दोस्तों के प्रति एक ऐसा मैसेज आता है व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, अगर कोई अकेला फील कर रहा है, अगर कोई दिक्कत है, तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, ठीक है, हम मतलब अलग अलग तरह के मैसेजेस आप सबको रिसीव हुए होंगे, आप हमसे आके वार्तालाप करो, हमसे कॉफ़ी शेयर करो, ठीक है, हम बैठ के मिल बात करेंगे, ये तो सुसाइड इज़ नॉट द रीज़न। जिन लोगों ने ये स्टेटस लगाया, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वेदर यू पीपल आर हैप्पी, क्या आप लोग खुश हो। एक बहुत अजीब क्वेश्चन है, आई नो, ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, दो टाइप की अपनी हेल्थ है, है ना, एक है फिजिकल हेल्थ और एक है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, हर किसी के कोई ना कोई कमी रहती ही है, और मेंटल हेल्थ भी 100% परफेक्शन इज़ नॉट अटेनेबल, ठीक है, अगर आप मेंटल पीस की बात करो, मेंटल हेल्थ की बात करो, या फिजिकल हेल्थ की बात करो, 100% पीस इज़ नॉट अटेनेबल एट ऑल। इफ़ यू आर अटेनिंग 100% पीस, दैट डायरेक्टली मीन्स यू आर इक्वलेंट टू दैट ऑलमाइटी, आप उसके इक्वलेंट ही हो, 100% तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई फिजिकल इंजरी होती है ना, तो हमारा एक पर्टिकुलर ग्रीवेंस रहता है, हम उसका पता लेने जाते हैं, है ना, उसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आपके यहाँ चोट लग गई, आपको फीवर है, आपको टाइफाइड है, तो आप ये मतलब रिकमेंडेशंस अपन करते हैं। जिसको फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी ऐसे ही करता है, वो जाता है डॉक्टर्स के पास, इलाज करवाता है, और कुछ कई हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, कोई दो दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई दो घंटे में ठीक हो जाते हैं, कोई साल में ठीक हो जाता है। सेकेंड इज़ द मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में जैसे डिस्कशन है वो स्टॉप्ड ही है, ठीक है, अगर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं, ठीक है, नोबडी इज़ मेंटली फिट, ये मेरा मानना है,
माइंड लेवल पे या मेंटल लेवल पे अगर कोई कह दे कि आई एम 100% फिट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि वर्क प्रेशर या कोई ना कोई प्रेशर तो इंसान के दिमाग में रहता ही रहता है. एक्चुअली स्ट्रेस को अगर मैं बेसिकली क्लासिफाई करता हूँ तो मेरे सामने तीन फैक्टर आते हैं. एक होता है लो लेवल स्ट्रेस, एक होता है मॉडरेट लेवल स्ट्रेस, लोग अपन माइल्ड स्ट्रेस बोल सकते हैं, एक होता है मॉडरेट लेवल स्ट्रेस और एक होता है एक्सट्रीम लेवल. लो लेवल और मॉडरेट लेवल का जो स्ट्रेस है वो हर इंसान पे रहता है. किसी ना किसी फैमिली प्रेशर होता है, कोई ना कोई काम करना होता है, ठीक है. अगर लो या अपन कह सकते हैं जो वीक लेवल का स्ट्रेस है, ठीक है, माइल्ड लेवल का स्ट्रेस है जो अपने पे ना रहे तो शायद अपन कोई काम करेंगे भी नहीं, ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना. मॉडरेट लेवल और जो एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है, यहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है. वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है. देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस जिसमें इंसान खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहता, दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेस. हर स्ट्रेस क्या है बेटा, डिप्रेशन नहीं होता. तो अब एक फैक्टर जो यहाँ पे आता है, दैट इज़ द शेयरिंग फैक्टर. आप प्रॉब्लम्स शेयर करो अपनी, यू विल गेट द सॉल्यूशन. बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि आप लोग इससे सहमत ना हो, ठीक है, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ. क्या है, हमें चटकारे लेने में बहुत आनंद आता है और ये फैक्टर है. एक्चुअली शेयरिंग के मामले में जब कोई किसी का स्ट्रेस मॉडरेट लेवल से ऊपर होता है, ठीक है, एक लेवल है ऑप्टिमम लेवल से ऊपर जाके उसको स्ट्रेस होता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इस चीज़ का प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और वो इंसान नो डाउट लड़खड़ाता है जब स्ट्रेस एक लिमिट से क्रॉस करता है, एक ऑप्टिमम लेवल से क्रॉस करता है और डिप्रेशन की तरफ मूव करता है. तब इंसान के मन में ये आता है कि ही वांट टू शेयर इट, वो शेयर करना चाहता है इसे. बट वहाँ पे दो तरह के इंसान अपने सामने आते हैं और ये फैक्टर है. मैं अगेन कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई सहमत हो, जो नहीं सहमत आई एम सॉरी, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है. लेकिन दो तरह के इंसान आपके सामने आते हैं. फर्स्ट इंसान वो होते हैं जो क्या है, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, और सेकंड इंसान वो होते हैं, ठीक है, और मोस्टली इंसान वही होते हैं जो चटकारे लेते हैं, ठीक है. आज जो इंसान मोस्टली इंसान जो स्टेटस लगा रहे हैं, उनमें से भी ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपकी ही प्रॉब्लम्स के चटकारे लेते हैं. अब चटकारे लेने से का क्या मतलब है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने उससे शेयर की. वैसे मल्टीपल शेयरिंग के मैं अगेंस्ट हूँ, कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ. अगर आप मल्टीपल शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है पर्सनल लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे कोई प्रॉब्लम है और आप किसी से शेयर कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपको कोई ऐसा इंसान ही सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आप, जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट हो. ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पेरेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रदर सिस्टर हो, ही और शी में भी फ्रेंड, ही और शी में भी योर एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है. टू होम यू आर मैक्सिमम कम्फर्टेबल, यू आर विद मैक्सिमम कम्फर्टेबल, जिससे आप बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो, आपको उसी से ही शेयर करना चाहिए. जो मोस्टली गलती जो मैंने अपनी लाइफ में भी की है और मैंने ऑब्जर्व भी की है, ठीक है, ऐसे केसेस मैंने देखे भी हैं कि हम अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए शेयरिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हम मल्टीपल शेयरिंग कर जाते हैं. हमें पता नहीं होता कि हम मल्टीपल शेयरिंग कर रहे हैं. आज मैंने इसके साथ शेयर कर लिया, हफ्ते बाद मैंने किसी और के साथ शेयर कर ली, उससे हफ्ते के बाद मैंने किसी और के साथ शेयर कर ली. ठीक है, आपका मन हल्का हो जाता है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे एक ही बात दोहराता हूँ, चटकारे लेने वाले बहुत होते हैं. मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है. तो वहाँ से क्या है, इंसान डीमोरलाइज हो जाता है, ठीक है. एक्चुअली हर इंसान अपना फेस भूल जाता है अगर किसी प्रॉब्लम में गुजरा है, और वो दूसरे के चटकारे लेता ही लेता है. तो ये एक बड़ा इशू हमारे सामने आता है कि हम और परेशान हो जाते हैं शेयरिंग के चक्कर में, हम और परेशान हो जाते हैं. एक्चुअली जो मेरा मानना है, जब हम मुसीबत में होते हैं ना, ठीक है, हमें मुसीबत मिलती कब है और हम मुसीबत में आते कब हैं,
ठीक है, हमें मुसीबत आती क्यों है, भगवान हमें मुसीबत देता क्यों है, ठीक है, दुख उसी को दिए जाते हैं जो वो सहन कर सके, ठीक है, स्ट्रगल्स उसी की लाइफ में आते हैं जो क्रॉस कर सके, ठीक है, अगर क्रॉस नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो उसको भगवान स्ट्रगल देता भी नहीं है। अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप उस स्ट्रगल को क्रॉस कर जाओ, ठीक है, तो ही स्ट्रगल आए हैं, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और नो डाउट, एक घड़ा बनने के लिए जो मिट्टी है ना, उसको क्या क्या सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। पहले उसको पीटा जाता है, उसको लताड़ा जाता है, फिर उसको आग पे पकाया जाता है, देन अगेन उसको गढ़ा जाता है, ठीक है, तो कितना कुछ किया जाता है, ठीक है, तब भी चरणों में पड़ी मिट्टी, किसी के पाँव के नीचे दबने वाली मिट्टी किसी के सिर का श्रृंगार बन के घड़ा बन जाती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, पेशेंस की। एक स्टोरी जो मैं आज ही पढ़ रहा था और सुनी भी है, ठीक है, बहुत फेमस स्टोरी है, वो क्या है, मंदिर में भी मूर्ति है, वो पत्थर की बनी हुई है, ज़मीन पे भी पत्थर पड़ा है, मंदिर में कोई इंसान जाता है मूर्ति के आगे अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है भगवान समझ के, लेकिन पत्थर जो जिससे क्या है, जो फर्श बना हुआ है जिससे वो पत्थर क्या है, मूर्ति से सवाल पूछ लेता है, अरे तेरे को तो भगवान का दर्जा दे दिया, तेरे से बड़ा कौन हो सकता है, ठीक है, मैं भी पत्थर तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर तू भी पत्थर, देख इंसान कितना अजीब हो गया है कि तेरे को भगवान का दर्जा दे दिया, मेरे पे तो पाँव रखता है। तो उस टाइम वो जो मूर्ति है वो बोलती है, और वो क्या कहती है, देख भाई तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, जब पत्थर को तराशा जा रहा था ना, तू सह नहीं कर पाया, तू सह नहीं कर पाया तो आज ज़मीन पे पड़ा है, ठीक है, उस टाइम मूर्तिकार ने जैसा मेरे को तराशने की कोशिश की, जिस तरह मेरे को तराशने की कोशिश की, मैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहा और आज मैं भगवान तुल्य हो गया। ये एक लाइफ का फिनोमेना है, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, यू विल हैव टू बियर देम, आपको उनको सहना पड़ेगा, सहोगे, सब्र रखोगे, सब्र रख के आगे बढ़ोगे, ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ोगे मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन जहां सबर का बांध टूटा वहां दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो सब्र है, ठीक है, लाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली एक बात जो हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है, हम दया मांगते हैं, ठीक है, अरे अब मेरे पे ये दिक्कत आ गई, मेरे पे ये मेहर कर दो, हम किसी के साथ पे मतलब परेशान हो जाते हैं, मेंटल लेवल पे हमें सिकनेस आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, हड़बड़ाते हैं, दया मांगते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। जितनी दया मांगोगे उतनी घृणा पाओगे, ये एक लाइफ का फिनोमिना है और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है, कोई सहमत नहीं भी हो सकता। जितनी आप किसी के आगे दया मांगोगे उतनी घृणा पाओगे, ठीक है, आपको एक्सप्लॉयट किया जाएगा, आपको आपका मजाक बनाया जाएगा। अगर किसी को कोई मेंटल लेवल की प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं साइको है, साइकोपैथ है। अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है ना, नॉर्मली भी तो जा सकता है, ठीक है, 100% मेंटली फिट तो कोई भी नहीं है ना, ठीक है, अगर किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ठीक है, तो उसको पागल तो डिक्लेयर पहले ही कर दिया जाता है, और इसको तो स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता, पता नहीं क्या है इसे, दूर रहो इससे, क्यों ये पागल है, हम मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है ही नहीं। एक्चुअली अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं है तो हम अनकॉन्शियस पर्सन है, ठीक, क्योंकि यहाँ से उठने वाली जो प्रॉब्लम है पूरी बॉडी की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके रखती हैं, बट हम अपनी लाइफ को इस ढंग से जी रहे हैं, ठीक है, हर लेवल पे आके क्या है, दो चीज़ें का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इमोशंस वर्क। अगर वर्क करते हुए हमारे अंदर इमोशनली अनस्टेबल होते हैं हम, इमोशनली अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तो वो वर्क भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, दोनों चीज़ों का बैलेंस लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप शेयर करते हो, अगेन शेयरिंग इज़ ओनली विद अ ट्रस्टेबल पर्सन, एक आधे पर्सन के साथ शेयर किया करो, वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर ऑल द योर प्रॉब्लम्स विद दैट ऑलमाइटी। कोई पर्टिकुलर इंसान डिप्रेशन के टाइम आपको क्या दे देगा, सोल्यूशन दे देगा, क्या क्या सोल्यूशन देगा, ध्यान करो,
ये करो, मेडिटेशन करो, ठीक है मेडिटेशन से बहुत कुछ होता है, लेकिन एक्सट्रीम डिप्रेशन के टाइम इंसान का तो वैसे दिमाग ख़राब हो रखा होता है कि मेरे को दुनिया को छोड़ के जाने में पागल हो गया, ठीक है, उस टाइम का वो खाक ध्यान करेगा। मेडिसिन अलॉन्ग विद मेडिटेशन इज़ रिकमेंडेड फॉर दैट पर्सन्स। ये एक मूल मंत्र है ज़िंदगी का कि हम किसी से इतनी सलाह लेते हैं, ठीक है, डिप्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, क्योंकि सलाह देने वाले बड़े होते हैं और चटकारे लेने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ट्रस्ट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना आप संभालने की कोशिश हमेशा किया करो। एक चीज़ जो हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है वो क्या है कि ये जो इंसान है ना, इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट है। क्यों? हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, कभी संभाल नहीं पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सिचुएशन में तो फंसे ही रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन परफेक्शन इज़ नॉट 100% अटेनेबल, परफेक्ट हम नहीं हो सकते 100%, लेकिन जो पाथ ऑफ परफेक्शन है ना, अगर जब हम उसे डगमगाते कब हैं, जब हमारा खुद से क्या हो जाता है, विश्वास ही उठ जाता है। जैसे हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए डिफरेंट फैसले लेते हैं, बहुत फैसले लेते हैं, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, अगर ना बने तो मर जाएंगे, हमें आईएएस बनना है, हमें एक्टर बनना है ना, फैसले लेते हैं ना, मुझे तो ये करना ही करना है यार, आजकल ये भी है, डिफेंस में जाना है, चलो बहुत काम डिसीजंस ले लिए, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले लिए। पर मैं यहाँ पे एक बात भी जोड़ देना चाहता हूँ, एक और डिसीज़न भी साथ में ही ले लेना चाहिए, क्या? मुझे खुश रहना है। आप डॉक्टर बनने के लिए शिद्दत लगा देते हो, सुबह से लेकर शाम तक नीट की प्रिपरेशन करते हो, मैं साथ में एक और कह रहा हूँ, मैंने फैसला लेना है, ठीक है। अब ये कहोगे ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, फैसला कैसे लिया जा सकता है, क्यों? आप इंजीनियर बनने का फैसला ले सकते हो, आप डॉक्टर बनने का फैसला ले सकते हो, ठीक है, आपको फैसला लेना होगा कि आपको खुश रहना है, तब आपकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी कभी आ नहीं सकती, कभी आप इमोशनली अनस्टेबल हो नहीं सकते, होगे तो थोड़े बहुत होगे, कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है कि आपने हर कंडीशन में क्या करना है, खुश रहना है। थैंक यू।